इसको दल छोड़ के अभी ये जब बांस का जो है बेम्बू का ये पर ग्लास बनाया बिल्कुल बढ़िया। आज ये क्रिसमस का दिन है यहाँ पे नेपा में, नेपा जो अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है, नेपा अरुणाचल 50-60 किलोमीटर दूर पे ये नेपा जगह है, वहाँ पे हम लोग आ चुका है। ये नेचुरल ब्यूटी है, ये बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा एक हाँ चार्ज है। आज यहाँ पे चार्ज में प्रेयर करके आदमी लोग चला गया है। वहाँ पे सामने वो जो दिखाई दे रहा है वो नेचुरल ब्यूटी है, वो पहाड़ी है, पहाड़ी पर घर है आदमी लोग का, और बिल्कुल वादियाँ इतना बढ़िया वादियाँ है देखने के लिए, बहुत मजा। लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, ये विलेज एरिया है जो नेपा विलेज है, अरुणाचल का एक नेपा विलेज, और यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सा लगता है और बढ़िया प्लेस है, ये नेचुरल ब्यूटी है। चलते और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये जगह का नाम है नेपा का जंगल है। यहाँ पे हाथी निकालते हैं कभी कभी, अंदर घना जंगल है, कभी बाघ भी निकालते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया जगह है, नेचर ब्यूटी है। हम लोग चलते हैं आगे और ये रास्ता से जाते हैं, अंदर में एक गांव है, वो यहाँ का लोकल जो लोग हैं, दैट मीन्स ये अरुणाचल का लोकल आदमी का ये गांव है सामने। देखते हैं आगे चलते हैं, चले ये नदी का नाम बगी नदी, अभी निकाल आएगा था हाथी, सभी को दिखाऊंगा। कभी ऐसा रास्ते में पकड़ देता है हाथी, रास्ते में रुक जाता है। का बिजनेस से जा रहा हूं हम लोग, बहुत जाना पड़ेगा क्या, बहुत दूर अभी बहुत है, करीबन अभी भी 3-4 किलोमीटर है यहाँ से, 4-5 किलोमीटर चलते हैं। आज जंगल में जब मंगल होता है, एक्चुअली क्या जंगल में ही मंगल होता है, वहाँ पे इतना साइलेंट, शाम होते ही यहाँ पे हटी निकाल जाता, कभी कभी दिन में भी जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे वो गांव का व्यवस्था कैसा है, गांव में कैसे आदमी रहते हैं और क्या करते हैं गांव का लोग, आगे देखेंगे। चलिए ये जंगल, ये में छोटा सा रास्ता, घना जंगल काट के ये बनाया हुआ है, लेकिन ये जो नदी है सुटा नदी, उसका ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है, ये ब्रिज का ऊपर से हम लोग चलना पड़ेगा। यहाँ पे यही ब्रिज है, ये हैंगिंग ब्रिज, ब्रिज से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, देखते हैं। यही छोटा सा गांव, यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे कम से कम 40-50 जो विलेजर हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत, आज से कम से कम करीबन 30-40 वर्ष से यहाँ पे रह रहा है। वहाँ पे उस आगे पहले जाना में यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, आदमी पैडल करके आता था, कम से कम 40-50 किलोमीटर पैदल करके आता था यहाँ पे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा रोड बन गया है, ऐसा रोड नहीं, गाड़ी का रोड नहीं बना है, छोटा गाड़ी आता है अभी, लेकिन बरसात का दिन भी नहीं आते। यही है विलेज जो नेपा विलेज है, वो विलेज, ये विलेज है अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर से करीबन, यहाँ पर अंदर से आने से करीबन 40-50 किलोमीटर होगा, लेकिन ये घूर के लखीमपुर होके आता है, ये लखीमपुर के कम से कम 60-70 किलोमीटर यहाँ पे हो सकते हैं, लखीमपुर से करीबन 20-25 किलोमीटर अंदर ये जो गांव है नेपा विलेज, ये बसता है एक जंगल में, इसलिए बताए ये लोग बहुत सुनसान जगह में बैठते हैं और पूरा ये लोग फुर्ती से बैठते हैं यहाँ पे, और ये जंगल में ही मंगल होता है यहाँ पे। मैं सोचता हूँ कि हम लोग को भी ऐसा नेचर एरिया में आने से, नेचर जगह में बैठने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमको, फिलहाल मेरे को बहुत अच्छा लगता है जंगल में बैठने के लिए, इसलिए बोलता हूँ मैं ये जो ब्लॉक बनेगा जंगल में मंगल। देखिए ये गांव का जो व्यवस्था है, गांव में कैसे रहते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। चलिए ये हैंगिंग ब्रिज से हम लोग आगे चलेंगे, चलते हैं। मेरा दोस्त है अमल उपाध्याय, हाँ अमल को मैं बोल सकता हूँ, आपको कैसा लग रहा है ये गांव में आने से? मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इससे पहले भी आ चुका है आप लोग? मैं आता हूँ, जरूर
आगे भी आया था, दो तीन बार आया था, लेकिन मुझे ऐसे गांव में रहने से तो मुझे बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग होता है। मतलब यहाँ का रहन वास हाँ। मतलब यहाँ किसे कितने सुंदर से रहते हैं देखिए ना। जी जी। और मैं ऐसे जंगल में विलेज में ज़्यादा सर में बैठ के बहुत मुझे खुशी आता है। बढ़िया। तो इसलिए मैं आपका साथ आज इधर आया हूँ। कहाँ आज क्या है? क्रिसमस वहाँ पे जा रहे हैं। क्रिसमस और दोस्त लोग भी जा रहे हैं। क्रिसमस में क्या होगा वहाँ पे? आप लोग का गांव का नाम क्या है? ये नेपा। नेपा है। आप खाना खाया अभी? खाते सुबह। घर पे कौन कौन है आपका? घर में माँ और पिताजी और बहन लोग है। आज ही क्रिसमस में मस्ती करेंगे? ठीक है, चलते हैं। हम लोग चलेंगे वहाँ पे। आप तो जा रहे हैं ना? ठीक है, हम लोग आप लोग के गांव से आके चलेंगे। एक मकान है ये घर, ये पट्टे से बनाया हुआ है घर, बहुत रहने के लिए बहुत ठंडी होता है यहाँ पे। और एक बड़ी बस जो बड़ी बस विराजमान है, बहुत सुंदर है, नेचुरली ब्यूटी है, जगह है, बढ़िया है। ये भी एक घर है, यहाँ का लोकल लोग का घर ऐसे बनाता है वो लोग घर। यहाँ पे वो लोग झूम खेती, जो हम लोग धान खेती करते हैं, वो लोग एक खेती करता है धान जैसे, झूम बलता है, झूम खेती करता है और बचते हैं यहाँ पे खेती बाड़ी करके बैठते हैं लोग। जंगल में कैसे मंगल रहता है तो आपको मालूम पड़ा है, लेकिन आदमी लोग किसे सुनसान है, ये सुनसान जगह है, सुनसान एरिया है, कितना बढ़िया जगह है, नेचुरल ब्यूटी है। और आदमी लोग बैठते हैं, कोई झमेला नहीं है यहाँ पे, कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अरुणाचल सरकार इन लोगों को ये बस्ती के लिए बहुत फैसिलिटी दिया है। हाँ, लेकिन वो लोग जैसे मतलब सरकार का फैसिलिटी मिलना चाहिए, इन लोग का ऐसा मिला नहीं, तो तभी मिला है थोड़ा थोड़ा। यहाँ हम लोग का दीदी एक आ रही है, थोड़ा इनके साथ बात करेंगे। दीदी कहाँ से आप? ओके, वो उधर गया था, आप ग्रीजम में गया था, चार्ज में गया था, चार्ज से होके आ रहा है। हिंदी नहीं वालों, हिंदी नहीं आता है? ठीक है, दीदी का हिंदी नहीं आता है। ठीक है, हिंदी नहीं आता है, लोकल आदमी है यहाँ का, देखते हैं आगे। और हाँ, कुछ बोला है हम लोग तो। हाँ, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे वो लोग का जो फैमिली रहते हैं, यहाँ पे लोकल आदमी, यहाँ का लोकल है। पानी ला रहा है, पानी पियेंगे। थैंक यू दीदी। मतलब यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा और गांव के लिए? नहीं, दूर नहीं है ना, ये सामने है। ओ, अभी क्रिसमस है, ओ चर्च है। और चर्च आगे में है क्या? ओ ऊपर में एक है, ऊपर में बहुत थोड़ी। इधर भी चर्च है ना? हां, ओ बपतिस्मा है, ओ बीच मेरी। हम लोग जा सकते हैं ना? प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ओ कोना सना का बहुत है हम लोग का। हां, जंगल मिट मुर्गी मिट क्या घर पे उधर? हाँ, खा सकते हैं हम, प्रॉब्लम नहीं करते। आगे जाके ये जंगल में आगे ही एक चार्ज है, उस पर आदमी लोग विलेज है, और छोटा सा विलेज, देखते हैं आगे चलते हैं। नेपा विलेज में पहले यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, कोई रोड नहीं था, लेकिन अभी भी कोई गाड़ी के लिए रोड नहीं है। जब बरसात में जब पानी आ जाता है नदी पे, तभी ये सभी रोड, जो पैडल रोड आता है, जो बाइक आता है, छोटा गाड़ी आता है, वो बंद हो जाता है। अभी फिलहाल छोटा मोटा गाड़ी आ सकते हैं और यहाँ पे बाइक आ सकते हैं, तो यहाँ पर तक नहीं। हम लोग देखा है, हम लोग रास्ते में बाइक रख के यहाँ तक ऊपर का जो विलेज है वहाँ तक आया है अभी। ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये भी एक विलेज है। ये घर है, हाय हाय बाबा। ये यहाँ का लोकल विलेज है। ये गेट, ये चार्ज का गेट है।
आज गेट बनाया हुआ है ये क्रिसमस के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर्स थैंक्स। चलते हैं आगे देखते हैं। ये एक चार्च है ओल्लू का, अलग अलग चार्च, अलग अलग जो क्या बोलते हैं, अलग अलग जो जाति है उनके लिए अलग अलग चार्च है। चार्च ऊपर में ओ ये आगे रास्ता, ये रास्ते से जाते हैं। अब नहीं जाएंगे क्या आज? वो अभी बच्चा लोग गया ना। ठीक है ठीक है। ये पितुली क्या बोल, क्या चर्च है? कितुली ना, ये पीने जो पीते हैं वो पीने वाला नहीं, नहीं पीने वाला है, नहीं पीने वाला क्या मैं? नहीं पीने वाला रिवाइवल रिवाइवल चर्च का ये ना। हम दोनों पे जाएगा, सोचा जाएगा आप लोग ये बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग ये देख के आते हैं उसके बाद वहाँ में। आपका घर यहाँ पे ना? कहाँ से जाता? हम लोग बगिनडी। हम लोग बगिनडी से। हेलो भाई कैसा है? ठीक है ठीक है, जाके आते हैं। ये बच्चा है घर पे। हाय बाबू, हाय बाबू, ये बच्चा। ये नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से, ये ऊपर का रास्ता है, ऊपर से हम लोग नीचे जा रहा हूँ। ये घर है नीचे का, एक घर मिला हुआ है। ये लोकल जंगल में जो घर है, जनेफा में जो घर है, जो अरुणाचल का, जो अरुणाचल को जनेफा एरिया है वहाँ पे ये बचा हुआ है। यहाँ पे कम से कम 40-50 घर लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखते हैं आगे क्या है। ये भी पर लोकल एरिया का घर है। बाय बाय। हाँ दीदी, ये जो लाइव पट्टा है यहाँ यहाँ का लोकल है। आप लोग यहाँ पे उगाया है, नेचुरल है। ये ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक लाइव पत्ता है, और ऑर्गेनिक लाइव के पास ये खाना चावल है, और ये मिक्स जो सलाद है, ये सलाद और मिक्स लाइव पट्टा से लेके ये चावल भी सारे लोग, सारे बहन लोग, दीदी लोग और भाई लोग यहाँ पे। ये आज का दिन जो बरदिन, आज का जो दिन है, और आज का जो दिन है, आज का क्रिसमस का दिन में ये सब लोग मनाया हुआ है। हम लोग भी साथ आज नेपाल में ये क्रिसमस का दिन मनाया हुआ है। देखते हैं कैसा है लोकल खाना, खा के देखेंगे। बढ़िया, बहुत टेस्ट है खाने के लिए। अदरक है, ये नमक है, और काला नमक दिया है। ये लोकल पेप्सी का, ये लोकल है में। ये हम लोग का, ये एक मतलब अभियान है, मतलब डिस्पोजल से इग्नोर छोड़ के। अभी ये जब बांस का जो है, बेम्बू का ये पर ग्लास बनाया हुआ है, और देखिए ये पट्टा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा, जो हाँ डिस्पोजल जो ये है प्लास्टिक का, वो तो व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे नेचुरल है सभी लोग, और ये उन लोग का ये अभियान है। इसमें ग्लास, ये बम्बू टेके ग्लास बनाया हुआ है ये।